सिलो दखल में 15 सितंबर को इंदौर में महारैली एवं जनसभा को लेकर आज धार जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं प्रदेश संरक्षक शेर सिंह सिसोदिया व श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष हर्षदीप सिंह चौहान उपस्थित थे। साथ ही आसपास के जिले के भी जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। करणी सेना की बैठक में बताया गया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किसी भी धर्म जाति या समाज के विरोध में नहीं है, यह केवल उनके पक्ष में है जो वास्तविकता में गरीब है एवं सरकार की वास्तविकता योजनाओं से वंचित है। जातिगत आरक्षण की पुनः समीख शाकर आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया जाए ताकि देश के हर जाति व धर्म के गरीबों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें जिले से अधिक संख्या में इंदौर पहुंचने का आग्रह किया गया। बैठक में आसपास के गांव की नवीन कार्यकारिणी भी बनाई गई। साथ ही बैठक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित हुए। साथ ही कडूद कलां की जनता द्वारा बस स्टैंड पर पुष्पमाला उसे भी स्वागत किया गया। BN24 न्यूज के लिए कडूद कलां से अजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में इंदौर 15 सितंबर महाभवंडर आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर उस उपलक्ष्य में यहाँ बैठक रखी गई है और कई दायित्वान कार्यकर्ताओं की घोषणा की गई है। और अगला जो आपका 15 सितंबर को जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप कुछ बताएं। आर्थिक आधार को लेकर आरक्षण को लेकर इंदौर में कार्यक्रम है और सभी समाज स्वर्णिम समाज को वहाँ आह्वान के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और सभी को वहाँ पधारना है। आपका नाम? शेर सिंह सिसोदिया, प्रदेश संरक्षक।